ये है दोस्तों हनुमान जी की प्रतिमा, आप लोग देख सकते हैं, मैं बहुत क्लीन करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ऐसा है दोस्तों, तो अभी हम लोग पूरा दर्शन वगैरह कर लिए हैं। और हाय दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों फिर हम लोग चल रहे हैं बाबा बिजिठुआ धाम, तो बाबा बिजिठुआ धाम चलेंगे। तो कुछ शॉर्टकट रास्ता में चल रहे हैं दोस्तों, हम लोग शॉर्टकट रास्ता में चल रहे हैं। शॉर्टकट ऐसा रास्ता है, पहली बार मैं भी चल रहा हूं, तो आप लोग को भी दिखा रहा हूं। तो दोस्तों एक कादीपुर से हम लोग निकल चुके हैं, अब कादीपुर से सूरापुर मार्ग चल रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सूरापुर मार्ग है, बाबा भी देखे धाम में लोग आपको दिखाएंगे दोस्तों। ऐसा तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहुंच चुके हैं सूरापुर मार्ग पे। सूरापुर से कादीपुर मार्ग है, फिर हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, लगभग 3 किलोमीटर पहुंच चुके हैं कादीपुर मार्ग से सूरापुर मार्ग। बाबा बिजिठुआ धाम चल रहे हैं दोस्तों। आज आप लोग को मैं दिखाऊंगा बाबा बिजिठुआ धाम का कुछ प्रसिद्ध, जो भी दिखेगा दोस्तों। मैं हर वीडियो में तो आप लोग को कुछ कुछ वीडियो में बनाया हूँ बाबा बिजिठुआ धाम का, तो आज आप लोगों को भी लेके चलता हूँ बाबा बिजिठुआ धाम। शनिवार का दिन है दोस्तों, शाम 5 बज रहे हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं, हमारी 3 गाड़ी चल रही है दोस्तों, आप लोग आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग गाड़ी थोड़ा आराम से चलाएं, क्योंकि हमारे मुस्कान भाई हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, ये है मुस्कान भाई जो गाड़ी चला रहे हैं, हमारे ड्राइवर जी, और हम दोनों जब साथ में चल रहे हैं दोस्तों। और आज भी जब आप चल रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से देखना भाई को देख सकते हैं, और जो हमारी टीम आगे चल रही है आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, बाबा बिजिठुआ धाम चलते हैं आप देख लेना भैया ये। तो दोस्तों हम लोग सब लोग चल रहे हैं अभी साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा मस्ती वगैरह होती हुई चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग कभी भी गाड़ी चलाते वक्त मस्ती ना करें, तो सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि गाड़ी दोस्तों किसी की नहीं होती है। आप चलाओगे अगर अच्छे से चलाओगे तो आपकी सेफ्टी करेगी, अगर आप अच्छे से नहीं चलाओगे तो आपकी सेफ्टी नहीं करेगी। तो कभी भी गाड़ी चलाएं दोस्तों सावधानी से चलाएं, और बहुत ही प्यार से गाड़ी चलाएं, क्योंकि गाड़ी जितना आप अगर गाड़ी का इज्जत दोगे आप, तो गाड़ी आपकी भी इज्जत करेगी। अगर आप गाड़ी की इज्जत नहीं करते तो आपकी गाड़ी की इज्जत नहीं करेगी। तो बस दोस्तों वीडियो में, तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अब सूरापुर मार्केट जो जाने वाले हैं लगभग। तो हम लोग अभी चलते हैं सूरापुर मार्केट दोस्तों, अभी यहाँ से थोड़ा टाइम लग चुका है, 1 से 1.5 किलोमीटर मार्केट से पहले से घूमना है या फिर आगे चलना है, थोड़ा स्टाइल वगैरह। गोलू भाई साहब का गोलू नायक है दोस्तों कानपुर के, साथ में दोस्तों हम लोग घूम चुके हैं, जो टू लाइन है दोस्तों उधर छोड़ दिए और इधर चल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों बिजिठुआ धाम जाने के लिए रास्ता ऐसा है, शॉर्टकट मार रहे हैं दोस्तों हम लोग, सूरापुर से जो रास्ता गई है उधर से नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा दूसरे साइड से चल रहे हैं। सूरापुर से 1 किलोमीटर पहले से मोड़ है दोस्तों बिजिठुआ धाम जाने के लिए। तो दोस्तों रोड थोड़ा मोड़ ज़्यादा दिख रहे हैं आप लोग को, मैं दिखा रहा हूँ, तो ऐसा मोड़ है दोस्तों।
तो दोस्तों अभी यहाँ से बिजटगुआ धाम ज़्यादा नहीं है, एक से डेढ़ किलोमीटर है दोस्तों। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, रोड ऐसा है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बिजटगुआ धाम, आप लोग देख सकते हैं पीछे मकरी कुंड पहुंच चुके हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, तो अभी चल रहे हैं, सब लोग हाथ पैर धोएंगे तो फिर उसके बाद चलेंगे दर्शन वगैरह करने के लिए। तो सभी दोस्त जितने हैं सब देख सकते हैं आ गए हैं दोस्तों। अभी चप्पल उप्पल निकाले जाएंगे, चप्पल उप्पल निकालने के बाद फिर आगे चलते हैं। आओ नीचे। तो दोस्तों ये है, दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी नीचे जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों पावन धाम बाबा बिजटगुआ का। तो ऐसा है, अभी हाथ पैर थोड़ा धोते हैं दोस्तों, और यहाँ पर बंदर नहा रहे हैं अभी। अरे उम्र सुना चाहे प्रभु शंभु काट लेगा यार, कूद जाएगा मामा, कूद जाए प्रभु मना कर रहा है। जो गलती होगी वो क्षमा कर। तो दोस्तों बंदर से मस्ती ना करें। तो अभी सब हाथ पैर धो रहे हैं, खाली खाली है, कुछ लेके नहीं आया हमारे लिए भगो यहाँ से। तो दोस्तों अभी प्रसाद वगैरह लेते हैं यहाँ पे, फूल माला लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो अभी प्रसाद लिया जा रहा है, तो हाथ में फूल माला आ गया है, सब लोग अभी चल रहे हैं अंदर। तो फिर अंदर चलते हैं अभी दर्शन करने के लिए। तो मैं आप लोग को लेके चलता हूँ मंदिर। तो दोस्तों ये है मंदिर, साफ सफाई थोड़ा नहीं है दोस्तों, शाम का टाइम हो गया क्योंकि दिन भर पूरी मंदिर चलती है, तो अब शाम को पूरा साफ सफाई किया जाएगा। तो अंदर ही मंदिर है, तो हम लोग अभी चलते हैं। तो दोस्तों आते समय मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए हैं और आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, हमारे पीछे देख सकते हैं बाबा बिजटगुआ का धाम का जो हनुमान जी की मूर्ति है, तो हमारे पीछे आप लोग को दिख रहे होंगे पूरा क्लियर। पर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, दर्शन वगैरह कर लिए हैं, थोड़ा पीछे का कैमरा करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा, ये है दोस्तों हनुमान जी की प्रतिमा, आप लोग देख सकते हैं, मैं बहुत क्लीन करके आप लोग को दिखा रहा हूँ लाइट से। तो ऐसा है दोस्तों, तो अभी हम लोग पूरा दर्शन वगैरह कर लिए हैं और प्रसाद हमारे हाथ में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी दर्शन वगैरह हो गया, फिर यहाँ से चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग मंदिर देख सकते हैं, कुछ मंदिर ऐसा है, तो मैं आप लोग को बहुत दिखाया हूँ। तो ये पूरा मंदिर है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, अंदर है मंदिर। तो ऐसा है दोस्तों, आप लोग दर्शन करके कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों मैं पूरा आप लोग को मंदिर दिखाया हूँ। तो ये आज शनिवार के दिन है, शाम 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे थोड़ा मंदिर एकदम पूरा खाली खाली दिख रहा है। अगर थोड़ा दिन के टाइम में आते ना तो पूरा मंदिर भरा रहता है। तो मैं कभी भी वीडियो में आपको मैं दिखाया हूँ तो पूरा मंदिर एकदम भरा रहता है। तो आप लोग देखें कितना अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा। तो दोस्तों प्रसाद वगैरह हमारे हाथ में आ चुका है और दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से कर लिए हैं। फिर अब चलते हैं दोस्तों, मंदिर से निकलते हैं
तो अभी दोस्त वगैरह जितने थे और कुछ कुछ आदमी बाहर ले गए हैं, तो अभी हमारे मुस्कान भाई, गोलू भाई, अभी हम लोग सब लोग दर्शन कर लेंगे। दर्शन हो गया है दोस्तों, अब फिर हम लोग निकलते हैं। दोस्तों बाहर निकलने का द्वार है, तो यहाँ से हम लोग बाहर निकले, फिर इधर से चलना है। तो नहीं, फिर हो गया दोस्तों, हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए, बाहर मंदिर के आ गए, फिर अब चलते हैं। ये है पूरा, फिर बाहर निकल चुके हम लोग। तो ऐसा है दोस्तों, अभी थोड़ा यहाँ पर हिसाब किताब करते हैं, फिर उसके बाद। तो दोस्तों अभी सब लोग प्रसाद वगैरह खा रहे हैं, तो जो बहुत आदमी आए थे हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों पूरा खाली खाली दिख रहा है माहौल, क्योंकि ये मेला सुबह का है, तो सुबह में अगर आप आते हो तो बहुत ही बढ़िया मेला लगता है। तो अभी हम लोग शाम के 6 बजे लमसम में आए हैं, तो यहाँ पर इसीलिए पूरा खाली खाली लग रहा है। तो हमारे गुरुजी, तो ये गुरुजी हैं, और संजय भाई, उत्तम भाई, सब उधर बैठे हैं, और एक गिरीश भाई आ रहे हैं। आप लोग को मैं जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे हैं। तो दोस्तों, और ये मंदिर रहा बाबा बिजिठुआ का, हनुमान जी का, तो मैं आप लोग को दिखाया हूँ। बहुत ही बहुत बहुत ग्राउंड में है दोस्तों, पूरा घूमेंगे तो पूरा रात हो जाएगी, तो इसलिए मैं मंदिर के पास का सीन दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो दोस्तों अभी मुस्कान भाई कुछ ले रहे हैं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मुस्कान भाई क्या ले रहे हैं, ये लिपस्टिक ले रहे हैं और लगाने के लिए अपने। तो लिपस्टिक वगैरह ले लिए हैं मुस्कान जी हैं, इसमें कम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा है, यहाँ पर मेला अभी तो डाउन हो चुका है, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, मेला पूरा डाउन हो चुका है। तो ऐसा है, ये धागा वगैरह ले रहे हैं गोलू भाई और मुस्कान, काला धागा लेना है तो ले लो, देख लो जो अच्छा लगे। तो रुपए का है धागा। तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया, अब हम लोग चलते हैं दूसरे तालाब के पास, और एक तालाब है यहाँ पर, तो वो भी तालाब मैं आपको दिखाता हूँ। तो पूरा तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं दूसरे तालाब के पास, आपको दिखाते हैं उसमें पानी है कि नहीं है। एक तालाब में तो पानी है, और दूसरा जो तालाब है उसको देखने चल रहे हैं हम लोग, तो उसमें देखते हैं पानी है कि नहीं है। बस आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं आप लोग को शुरू से दिखाना फिर चाहता हूँ, फिर अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी निकल चुके हैं, फिर अभी चल रहे हैं आप लोग, थोड़ा गली ज़्यादा है दोस्तों। तो ऐसा है ये मंदिर, फिर मंदिर के बगल पे हम लोग निकल रहे हैं आराम से, देखना स्लिप करेगा टाइल्स रहे तो, ब्रेक काम नहीं करेगा, आराम से इधर से घुमा लो। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है दोस्तों, कम से कम 5-6 एकड़ में है। लोग ये तो दूसरा वाला जो ग्राउंड है उसको देखने के लिए जा रहे हैं, उसमें पानी है कि नहीं है, तो इसमें पता लग रहा था पानी है, तो अभी आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ पानी है कि नहीं है। बस रुका रुका देख ले जाए भाई यार, कहाँ पानी पे एक मिनट। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है, पूरा बहुत सालों से खाली है। तो ऐसा है, तो इसमें कभी पानी भरा ही नहीं जाता है, अगर भरा भी जाता है तो सूख जाता है दोस्तों, चाहे बरसात का पानी हो कुछ भी हो सूख जाता है। तो अभी फिर हम लोग निकलते हैं, मैं दिखा दिया पानी नहीं है उसमें। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाबा बिजिठुआ धाम से, तो अभी जैसे निकल रहे हैं तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये पूरा ग्राउंड फील्ड। तो ऐसा रहा दोस्तों कि दोस्तों अभी जो एकदम पूरा सुबह के टाइम में आए होते तो पूरा भीड़ रहता, अभी पूरा पूरा मंदिर खाली हो गया, शाम को 6-6:30 बज रहे हैं।
तो बहुत ही बड़ा मेला लगता है दोस्तों बाबा बिजठुआ धाम का, तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। तो इंडिकेटर में बांधने के लिए थोड़ा लाल पट्टी लेते हैं हम लोग, तो अभी निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा पट्टी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं अगर मिल जाती है तो। यहाँ पर कहाँ है वो टंगी हुई है। तो दोस्तों हम लोग को पट्टी मिल गई है, आप लोग देख सकते हैं पट्टी अभी लिया जा रहा है जय बजरंग बली का। तो ये है दोस्तों जय बजरंग बली का पट्टी, तो इसको माथे में बांधने के लिए लिए हम लोग। तो ये सब पूरी मार्केट ऐसी है। तो दोस्तों अभी ले लिए हैं पूरा हम लोग, अब फिर निकलते हैं। तो दोस्तों पूरा मंदिर वगैरह आपको दिखा दिए, कुछ ऐसा रहा। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, फिर मंदिर वगैरह से दर्शन वगैरह करके हम लोग निकल गए हैं। अब चल रहे हैं रूम पे कादीपुर दोस्तों। तो अभी हम लोग कादीपुर चल रहे हैं। तो यहाँ से कादीपुर 7 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर।